19 नंबर क्वेश्चन है, ए इज अ 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ H2O2 लिबरेटेड 0.508 ग्राम ऑफ आयोडीन फ्रॉम एन एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ 8 STP। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम की स्ट्रेंथ चाहिए किसकी? H2O2 की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 ml, 1 लीटर बराबर जो होता है 10^-3 मीटर क्यूब होता है, और 10^3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यानी कि इसको हमें ये लिख सकती हूँ 5 ml, क्योंकि हम जनरली जो बात करते हैं वो ml में करते हैं, और बच्चा जो जनरली समझेगा वो ml में ही समझेगा। तो आपको बच्चे को कन्वर्जन सिखाना होगा कि सेंटीमीटर से उसको ml में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका क्या रिलेशन है। सॉल्यूशन ऑफ H2O2 लिबरेटेड आयोडीन जो है H2O2 और एक KI है, वो कन्वर्ट हो रही है आयोडीन जो है I2 में, ठीक है। इसके 5 ml जो है H2O2 के, वो इसके कितने, I2 जो लिबरेट हुई वो कितना है? 0.508 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? आयोडीन जो है 126 होता है, 126 इंटू 2, देन 0.508 इंटू 126 इंटू 2, तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 2 × 10^-3 मोल। I2 के कितने मोल्स आ गए? 2 × 10^-3 मोल। यहाँ पे हमारे पास कितना है? 5 ml है, ठीक है। अब मोल्स है तो हम क्या बोलते हैं कि कभी अगर हमारे पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 एंड इक्विवेलेंट ऑफ KI जो होंगे वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल, देन हम क्या लिखेंगे? द इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल होंगे इक्विवेलेंट ऑफ I2 के। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जो होते हैं वो क्या होता है? मोल इनटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो है वो कितना हो जाएगा? मोल्स यहाँ पे 2 × 10^-3, यहाँ पे -1 से ये किसमें गया? 0, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन इज 1, तो यानी कि n फैक्टर इज 1, यानी कि 2 × 10^-3। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 1 × 10^-3। तो इसको अगर हम नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? या तो इसको ही रहने दो मिली इक्विवेलेंट, और इसको क्या करेंगे? मोल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दो, तो ये क्या आएगा? नॉर्मलिटी। तो यानी कि नॉर्मलिटी जो होगा वो होगा 22 × 10^-3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना इसका? 5 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3, तो n जो आएगा वो आ जाएगा 0.4 n। दिस इज द नॉर्मलिटी। अब हमें पूछा क्या गया है? STP पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो STP पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होती है उसकी? अगर मेरे पास 1 mole होता, राइट, या फिर 1 n होता, तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है एट एस टी पी, वो कितना होता? 11.2, क्योंकि वॉल्यूम इनटू n फैक्टर करते हैं, यानी कि 11.2। अब 0.4 के लिए कितना होगा? 0.4 n है, तो उसके लिए हो जाएगा 0.4 × 11.2, देन 8.844, यानी कि 4.48 इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट।